हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इस स्टॉक में न्यूज भी अच्छी आ रही है, जो एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बन रहा है, जो चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं आपको क्लियरली एक दो स्टॉक्स में वो चीजें दिखा चुका हूँ, वो फिर से आपको दिखाऊंगा और लेके चल रहा हूँ सीधे सीधे आपको एनएससी की वेबसाइट पे। पहले मैं बता दूं, जिनको भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उनको वीडियो में प्रॉब्लम है तो भाई वीडियो छोड़ के जा सकते हो। क्लियरली क्लियरली खुद देखो, रिसर्च करो, बाई करो। मैं चाहता हूँ आप लोग रिसर्च करो, कभी लॉस ही ना हो, ठीक है। पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि रिटेल, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का कभी एक पैसे का लॉस ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। अगर आप खुद से जेन्युइनली कर सकते हो, देखो मैं को भी मैं ऑफिशियली न्यूज ही डिस्कस करता हूँ, साथ में अपना टेक्निकल पैटर्न वहां पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर पैटर्न आपको अच्छा नहीं लगता, खुद से कोई पैटर्न डेवलप करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पैटर्न फॉलो करो, खुद से कोई, बट आपको सीखना पड़ेगा दोस्त। नहीं सीखोगे तो नुकसान करते रहोगे। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका कभी नुकसान ना हो। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, आई एक्सेप्ट इट, आई एडमिटेड, आप छोड़ के जा सकते हो, बट मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप लोग सीखें चीजें। आप मेरे यहाँ नहीं, मेरी चीजें नहीं सुन सकते हो, सीखो उसे, बट हाँ सीखना तो पड़ेगा। मैं भी नहीं सीखा था स्टार्टिंग में, मुझे पता है क्या दर्द होता है रिटेल इन्वेस्टर का, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। अब चलिए सीधे बात कर लेते हैं कल के। अगर कारोबार की बात करें तो यहाँ पे तेजी देखने को मिली, छोटी मोटी तेजी थी, तेजी कोई बड़ी नहीं थी, 296 रुपए के आसपास जाता है। और वहां पे ये स्टॉक जो है आपको एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखता है, फिर गिरावट वहीं से दिखा देता है। 296 के ऊपर ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। बात करें यहाँ पर तो एक देख सकते हो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है ऑर्डर बुक में, लगभग लगभग 8,000 क्वांटिटी के आसपास की। अगर बात करें ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से, तो ट्रेडिंग लगभग लगभग 1,65,00,000 शेयर की है, जिसमें से 41 लाख शेयर की डिलीवरी उठाई गई, 24% से ज्यादा की डिलीवरी है। डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा यहाँ पे मुझे डाउटफुल लग रहा है, और डिलीवरी परसेंटेज और यहाँ पे बढ़नी चाहिए, तभी इसमें अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीधे अभी के इस वीडियो में, सीधे हम लोग पहले टेक्निकल पैटर्न डिस्कस करेंगे, फिर तीन न्यूज हम वो डिस्कस करेंगे। टेक्निकल पैटर्न पे अगर आरएसआई इंडेक्स की पहले मैं बात करूं, जो सबसे अच्छा बेस्ट इंडिकेशन मुझे लगता है, वो अभी स्ट्रॉन्ग जोन में है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड जोन, न्यूट्रल जोन में आपको देखने को मिल रहा है, 59 के आसपास ही है। ये 1 आवर की कैंडल है, अगर आप 1 डे की कैंडल लगाओगे तो वहां पे आपको और अच्छा से दिख जाएगा। अभी ये मतलब अच्छे लेवल पे है, ना ओवरबॉट ना ही ओवरसोल्ड, 50 के लेवल पे है ये, लगभग लगभग ओवर सोल्ड जोन से अभी कुछ दिन ही पहले निकला और स्ट्रॉन्ग जोन पे है खड़ा। बात करें यहाँ पे 1 डे की कैंडल पे भी बात करें तो एक पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, ये जो यहाँ पे सेम पैटर्न मिल रहा है, यानी कि कंपनी यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, और ये पीवट लेवल जो आपको 289 के ऊपर सस्टेन करा रही है इसे, ये लेवल बहुत ही जानदार है। और बात करें यहाँ पर तो ये लगभग लगभग अपने ईएमए के ऊपर और या उसी के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो सीधे सीधे 309 के ऊपर आपको शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगला जो रेसिस्टेंस लेवल है वहां पे, उसके बाद 332 का टारगेट रहेगा, और उसके बाद 375 का टारगेट। टारगेट तीनों T1 T2 T3 मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ सपोर्ट के लेवल, सपोर्ट के लेवल काफी नजदीक नजदीक आपको देखने को मिलेंगे। पहला सपोर्ट का लेवल आपको यहाँ पे 289 का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी बार बार सपोर्ट ले रही है। बात करें उसके बाद की तो 266 की, और यहाँ पर बात करना चाहेंगे हम 15 मिनट की कैंडल पे, वहां पे जो पैटर्न बन रहा है वो इससे भी भयानक और अच्छे लेवल का पैटर्न बन रहा है। एक मिनट आपको पहले यहाँ से जगह बना दो, 15 मिनट की कैंडल पे मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ। और 15 मिनट की कैंडल के सॉरी 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल पे अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो 1 आवर की कैंडल पे एक जबरदस्त सपोर्टिव कैंडल बन रही है। ये सारी ग्रुप ऑफ कैंडल जो अभी करेंटली यहाँ पर बनी है, एक रेक्टेंगुलर पीस में मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ से हमें जो है ये एक फ्लैग पैटर्न बना के, और यहाँ से सीधे अप मूव आपको दिखाने के लिए रेडी हो चुके हैं। लगभग लगभग अपना अगला टारगेट यहाँ पे इस लेवल पे अगर देखा जाए 1 आवर की कैंडल पे, तो 301 रुपया होने वाला है। उसके बाद सीधे बात करें T2 की, तो T2 आपका होने वाला है 322 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न हमें मतलब अच्छा पैटर्न मिलने वाला है। HDFC में भी मैंने आपको ये पैटर्न दिखाया था, जाके HDFC स्टॉक्स का मूव जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर न्यूज पे, न्यूज फटाफट से कवर कर ले। टाटा मोटर शेयर प्राइस डिप एज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इंपैक्ट प्रोडक्शन। न्यूज जो है वो 2 तारीख की है, देख सकते हो आप, 9 बजे सुबह 10 बजे आती है, यानी कि जो है टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज जो है अभी करंटली गोइंग है। बट अब मैं इसका इम्पैक्ट बताता हूँ, न्यूज नेगेटिव है, जी हाँ 100% नेगेटिव न्यूज है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर इसका इम्पैक्ट
100% पढ़ना चाहिए था तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 30% पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंटेड न्यूज है। कंपनी इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इन द मंथ ऑफ अगस्त 57,995 व्हीकल कंपेयर्ड टू 36,505 यूनिट ड्यूरिंग अगस्त 2020, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसे अगर बात की जाए तो बढ़ा हुआ है, ये सेल्स रेट बढ़ा हुआ है, बट प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन घटे हुआ है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर, बट वो न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। बात करें यहाँ पर टाटा मोटर्स की अगली न्यूज, तो टाटा मोटर्स बेट बिग ऑन साउथ ओपन 70 आउटलेट्स। यानी क्या किया टाटा मोटर्स ने, टाटा मोटर्स ने अपना जो है साउथ में भी अब विस्तार करना शुरू कर दिया, यानी साउथ में भी अपना, साउथ इंडिया के तरफ भी अपना फैलाव कर रही है। टाटा मोटर्स ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड 70 न्यू सेल्स आउटलेट अक्रॉस द साउदर्न इंडिया रीजन, विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 28% टू द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वॉल्यूम। यानी लगभग यहाँ पे 28% वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ने वाला है, अंदाजा लगाया जा रहा है। 28% में से 14% भी आ जाए तो काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज। थर्ड न्यूज तो उस टाइप की है कि अगर पड़ोसी वाला सिस्टम है, यहाँ पे अगर देखेंगे मारुति टू रिकॉल ओवर 1.8 लाख SUVs। यहाँ पे मारुति की जो SUVs हैं वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो सीधे सीधे जो है आपको अगर क्राइटेरियम पढ़िएगा तो CAs, आर्टिगा, वितारा ब्रेजा, एस क्रॉस, XL6 मॉडल जो है इनके इम्पैक्ट बढ़ा, और इनको गाड़ियों को डायरेक्टली मारुति बुला रही है। इससे मारुति का कॉस्ट बढ़ेगा, तो लोग जो है मैक्सिमम चांसेस है कि अगर किसी को ऑटो सेगमेंट में रहना तो मारुति सुजुकी से शिफ्ट होके टाटा मोटर्स या किसी अदर स्टॉक में जाएगा, तो वहां पे चांसेस बन रहे हैं पॉजिटिविटी के, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट के, तो सीधे सीधे ये इम्पैक्ट करेगा। अब आ जाते हैं सीधे यहाँ पर टारगेट, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं तो मेरे तरफ से टारगेट जो है वो 375 का टारगेट रहने वाला है, जो कि ICICI डायरेक्ट ने दिया हुआ है। बाकी आप शेयर खान का 430 टारगेट भी फॉलो कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का 400 वाला टारगेट भी अभी भी कंसिस्टेंट बना हुआ है। बात करें यहाँ पर तो फॉरम की, बात करें कम्युनिटी फॉरम की, तो कम्युनिटी फॉरम में आपको 94% बाई 6% सेल की रिकमेंडेशन है, यानी अभी भी बुलिश हैं लोग। और अगर बात करें टेक्निकल इंडिकेटर पे, तो टेक्निकल पैटर्न पे ये देख सकते हो स्टॉक जो है लगभग 1 सितंबर से बुलिशनेस मोड में आ चुका है, क्योंकि अभी देख सकते हो आप ये अपने EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफी ऊपर जब चला जाएगा तो वेरी बुलिश में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।